क्या आप भी अपने लैपटॉप को शट डाउन करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने लैपटॉप या फिर पीसी को कैसे शट डाउन कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। सबसे पहले तो तरीका है, आप अगर कोई भी आपके लैपटॉप में कोई भी टास्क बार ओपन है, कोई भी फाइल वगैरह ओपन है, तो सबसे पहले आप इसको कट कर दीजिए। इस पर क्लिक करके यहाँ से कट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपका विंडोज 11 या फिर 10 है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पावर का एक बटन दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर पावर के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। पावर के बटन पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा शट डाउन का, देख सकते हैं यहाँ पर शट डाउन का एक ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल सा आपको शट डाउन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है शट डाउन हो जाएगा आपका लैपटॉप बहुत ही आसानी से। और एक दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप के यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा, यहाँ पर अल्ट अल्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, बटन दिखेगा, देख सकते हैं अल्ट का बटन। और यहाँ पर आपको F4 का बटन दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर F4 का एक बटन दिख रहा है आपको। तो एक साथ आपको अल्ट और F4 आपको इस तरह से दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे अल्ट और F4 तो आपको इस तरह से विंडोज ऑफ करने का ऑप्शन खुल कर जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सिंपल सा यहाँ पर अल्ट और F4 क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद आप ये जो इंटर बटन दिख रहा है, इंटर बटन, इस इंटर बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है शट डाउन हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो माउस से भी ओके पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो बंद हो जाएगा। तो ये दो तरीका है जिससे कि आप अपने लैपटॉप को बहुत ही आसानी से बंद कर सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बंद करने में।